Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मेरे बेटे का एग्जाम है और फर्स्ट टाइम में एग्जाम दे रहा है। तो सर बेसिकली जैसे बच्चे विरोध कर रहे थे एग्जाम का, तो आपका बेटा क्या चाह रहा है? देखो विरोध तो सभी कर रहे थे, लेकिन ये बीमारी कुछ ऐसी है कि इसमें लड़ना तो पड़ेगा आज, नहीं तो अगर ये एग्ज़ाम एक महीने बाद होता तब भी क्या कहते यही सिचुएशन होती, तो ये तो होना ही चाहिए। तो कब तक? तो जो भी था सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग तो स्कूल में तो मैं देख रहा हूँ, अब अंदर क्या है वो उसका मालूम नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट कहती है, हर इंसान कहता है, लेकिन आप जो कहते हैं वो बाहर निकल के एक बार देखें तो सही कि खुद बना लेंगे कि नहीं, कभी नहीं हो सकता सोशल डिस्टेंसिंग, ये पक्की बात है। तो गवर्नमेंट कह रही थी कि आने जाने में कोई दिक्कत, आने जाने की दिक्कत है लोगों को, हमारा अपना व्हीकल तो आ गए, जिनके अपना व्हीकल नहीं होगा उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, शायद उस वजह से बच्चे भी बहुत कम आए, मुझे लग रहा है 15% भी बच्चे नहीं आए सेंटर में। बेटे का मन था एग्जाम देने का या फिर इसको? हाँ बेटे का मन था, पहले तो वो भी डरा हुआ था कि ऐसे न्यूज़ देखते देख के क्या कहते हैं वो भी उनको फर्स्ट एड हुआ, फिर हिम्मत आई उसमें भी कि आज नहीं तो एक महीने बाद भी जाना है, जाना तो पड़ेगा उस लाइफ। हाँ मेंटल ये जो बीमारी है इसने तो हर किसी को मेंटल डिस्टर्ब किया, तो बच्चे में भी तो आजकल का ये पहला टाइम है मेरे बच्चे का, तो हर बच्चे को डर तो था क्योंकि वो घर से जो घर से निकल गया उसका डर खत्म है, जो घर में है उसको डर है। कह दिया तो आना पड़ रहा है, वैसे हमें तो लग रहा था या बच्चों को भी लग रहा था इस साल शायद एग्ज़ाम नहीं हो, तो थोड़ा उनकी प्रिपरेशन पे भी फ़र्क पड़ा है क्योंकि मेंटली बच्चे प्रिपेयर नहीं थे इस समय एग्ज़ाम के लिए ना। तो जैसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह से आप देख पा रहे हैं तो वो तो मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं है और वैसे भी आर्किटेक्चर का है तो इसमें शायद स्टूडेंट्स भी कम अपेयर होते हैं, और यहाँ पे तो अरेंजमेंट ठीक लग रहा है बाहर से, अब अंदर का क्या है वो तो हमें नहीं पता, जब बच्चा बाहर आएगा तो ही पता चलेगा। मैडम आपका नाम क्या है? माया सिंह, मेरी बेटी है रिया जो एग्ज़ाम हो गया। आप तो माँ हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे किस नर्वस से होंगे। नर्वस से तो थे बच्चे, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि कोविड से पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, जब से ये 4-5 महीनों से बच्चों के दिमाग में हो रहा था कि हो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, मतलब इस साल हम लोग मान के ही चल रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो बस दे रहे हैं एग्ज़ाम। हाँ एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम फुली सेटिस्फाइड, बिकॉज बच्चों का जो एक कैपेबिलिटी होती है उसकी टेस्ट होनी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ मैंने देखा अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क, ये सब की सारी अरेंजमेंट थी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, जब गवर्नमेंट सब कुछ अरेंज कर रही है तो आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका बच्चा क्या पहले डरा हुआ था, किस टाइप से मतलब एग्ज़ाम देना चाह रहा था? ऑब्वियसली काफ़ी डरा हुआ था और दिमाग में काफ़ी उथल पुथल था, तो फिर भी अदरवाइज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया कि एग्ज़ाम होगी तो हमने माइंड मेकअप कर लिया कि एग्ज़ाम जा कर देना। हाँ ये एक नेगेटिव साइड रहा क्योंकि अभी मेट्रो बंद है और चूंकि मेरे पास कन्वीनियंस अपना नहीं था और स्कूटर से इतना दूर आ नहीं सकता था तो ऑटो वैसे मिल गया, थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई लेकिन ऑटो मिल गया और मॉर्निंग 4:30 में ही हमें चलना पड़ा क्योंकि ये विवेक विहार सेंटर काफ़ी दूर है, महरौली से काफ़ी दूर है और पहुँचने में हमें समय लगा। देखिए सबका अपना अपना व्यूज़ है, कुछ बच्चे हैं ऐसे भी हैं जो अपनी तरफ से सोचते हैं तो, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम होना चाहिए क्योंकि कोरोना ये संकट अभी बहुत दिन तक चलेगी, हो सकता है साल, वैसे भी WHO ने बोला है ये 2 साल तक रहेगी, तो क्या आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ तो नहीं जाएंगे? कुछ फील्ड बहुत ही ज़रूरी है जिसमें आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो एग्ज़ाम है वो सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई सुथरा के साथ केयरफुली तो देना पड़ेगा, आखिर कब तक हम बैठे रहेंगे घर में? आपकी बेटी कह रही है बहुत नर्वस है, बोल सकती है क्या? अभी नहीं नहीं निकली है पहली बार, अभी बच्चे तो नर्वस तो होना ही है। तो क्या जो जितने भी एग्ज़ाम देने आए हैं जी नीट के, क्या आप लोग आना चाह रहे थे पहले या फिर आपको आना पड़ा है? नहीं हो गया तो सही है, एग्ज़ाम होना ही चाहिए, अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन बच्चे के लाइफ के भी साथ तो देखना पड़ेगा ना। बस और तो आप कहाँ से आए हैं? मैं कापासड़ा बॉर्डर से आया हूँ। तो आने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो जो
बच्चे कह रहे थे कि भाई एग्ज़ाम हम नहीं देना चाह रहे इस सिचुएशन में, तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं है मतलब बच्चे को इतना प्रेजेंटेशन नहीं है, पालन करना पड़ रहा है, बच्चों को ध्यान रखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा टफ नहीं हुआ? ऐसा तो कोई टफ नहीं है, बड़ा ही आराम से आए, कोई मतलब परेशानी नहीं है, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, पहले की अपेक्षा बेहतर है। तो मतलब आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, एग्ज़ाम होनी चाहिए।